वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए हैं मजरा में, आए हैं जहाँ पे खस्सी है, बकरी है, सब है। तो वो भी सब आता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बत्तखों को भी रखा गया है। अभी हमको लग रहा है चाइना मुर्गी की क्वालिटी है, बहुत बड़ी मुर्गी है। हाँ, बड़ी, इससे भी बड़ी मुर्गी अभी आपको दिखाएंगे। ये बत्तख वगैरह यहाँ पालन पोषण किया गया है। एक बत्तख ने अंडा दिया हुआ है, ये मुर्गी है, ये अंडा पे बैठा हुआ है। छोड़ दो, अंडा मत लो, अंडा मत, अंडा मत, अंडा खा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मुर्गी वाला कितना लोग रखते हैं? ये कितने मुर्गी है? देखो ये कौन सा मुर्गी है, गाय मुर्गी है। एक मिनट, एक मिनट। हां उधर भी जाएंगे। अरे कर ले, भाग रे, सांप की तरह बोल रही है। अब लगी बस इसकी भी अंडा हो। चलो देखिए, एक अंडा बता रहा हूं। काफी मुर्गी अंडा लेके बैठी हुई है, बच्चा लेके बैठेगी। ये पता नहीं कौन सा मुर्गी है, देखो ये कौन सा मुर्गी है। मुर्गी बहुत बड़ी मुर्गी है, ये बाहर घूम रहा था। मुर्गी की तरह यार, ये चाइनीज मुर्गी, चाइनीज मुर्गी का नस्ल है। थोड़ी आगे देखते हैं हम लोग। ये इतना इलाका इलाका है कि यहाँ पे जनरेटर पावर नहीं है। यहाँ पे पावर जो है बाय सोलर हो रहा है। पानी भरना, यहाँ पे भी ऐसा लाइफ होता है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, जो है सूडान से है, लेकिन ऐसे हम लोग सिटी में रहते हैं तो हम लोग इतना दिक्कत है। ये लोग कैसे यहाँ पर आते हैं? न लाइट है, न पानी है। सब लोग यहाँ पे, सब कुछ बाहर से आता है, पानी भी, खाना भी बाहर से आता है। ये उसका बाथरूम बना हुआ है। सिंह है उसका, नहीं धुमा का सिंह नहीं होता। अरे बहुत बड़ा सिंह है, देखिए ना। हाँ, देखिए कितना बड़ा सिंह है इसका। हाँ, ये सब धुमा ही है। हाँ, कितना बड़ा सिंह है उसका, धुमा फिर सब उसका बच्चा है। हाँ, बच्चा देखो, अभी एक हफ्ते का बच्चा है ये। पीछे व्हाइट ऊंट भी है, आपको व्हाइट ऊंट भी दिखाएंगे इसके पीछे में। ऊंट भी पास में आ रही है, ये सब ऊंटनी है ना, जिसका दूध दूध सबसे अच्छा होगा। काट लेगा हाथ के, केयरफुली, छोड़ छोड़ दो, हम उसको छूड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन का ऊंट है? काला, ये हमारे रेगिस्तान की जहाज है। उसका बच्चा भी एक छोटा सा था, प्यारा सा, उस साइड में है, वाइट बच्चा है। हाय, देखिए ये उसका बच्चा वहाँ है, देखो ना, डर लग रहा है भाई, काट सकते हैं। उसका बच्चा, उसका वहाँ वाइट बच्चा, इसका बच्चा भी उसका। देखो थन में ढका हुआ है, दूध ना पी जाए बच्चा। इसका बच्चा वाइट है, देखो इतना प्यारी ऊंट है, माता ऊंट भारी है। सेकंड जानवर ये लोग कैसे रहते हैं, उनका खाना ये सब।
देखिए कुछ ऐसा उन लोग का घर है बेचारे लोग कराने का, वो खौफ मतलब डर रहा है, वो मेरे सामने नहीं आ रहा कैमरा पे, बोलता हम नहीं आएंगे। देखिए वो लोग का ऐसा घर है, सोफा सेट है, ये सब है लगा हुआ, वो खाना कैसे बांध रहा सब इतना हवा में, हवा में हम लोग जो सोते हैं रूम में तो ठंड लगता है। देखिए ये लोग देखिए ये लोग कैसे कैसे सोते बेचारे, ये इससे तो हवा सीधा आएगा। हाँ कितना ठंड लगता होगा उसको, रात को इतनी ज्यादा ठंडी यहाँ लगती होगी, कोई एसी भी नहीं है यहाँ पे। देखिए फाइन है बेचारे के पास, कैसे लोग रहते होंगे यहाँ पे, गर्मी में भी इसी हालत खराब होती है। इसलिए अक्सर लोग कंप्लेन करता है, जो लोग बोलते हैं सऊदी में आए हमको डाल दिया ऊँट चराने में, भेड़ चराने में, यही तकलीफ लोग तकलीफ होता होगा बेचारे लोग को। अभी खोला है क्या उसको? हाँ देखिए अभी सिर्फ जो है अच्छा पानी पीने के लिए खोला ना। कुछ ऐसा ही है यहाँ का मजा लाइफ, बेचारे लोग ऐसे देखिए वो है वो सामने नहीं आ रहा, क्या मुश्किल नहीं है। ये कुछ ऐसा था इल्लू का लाइफ बेचारे लोग, कितने कष्ट से रहते हैं। क्या सर भाई हम लोग इतना एसी भी रहते हैं, इतना सब कुछ है तो बोलते हैं कि तकलीफ है, ये लोग कैसे रहते हैं, हमें ना पानी है ना कुछ नहीं है, सब कुछ ये लोग को ला के देगा फ्री लिया सऊदी, तो ये बेचारे गुजारा करेंगे। और रोजाना आते भी नहीं है, कभी कभी दो हफ्ते कभी 15 दिन का एक बार खाना ला के दे के चले जाते हैं। ऐसा यहाँ का लाइफ होता है, मजा लाइफ टाइम। इससे भी अच्छा और डेवलप वीडियो हम लोग करेंगे, बनाएंगे, अपलोड करेंगे, बनाएंगे मजरा का। ये छोटा मजरा है, ये हाँ। इससे बड़ा मजरा के लिए हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, वहाँ भी आपको वहाँ का जहाँ तकरीबन 100-200 ऊँट रहते हैं, हाँ बड़ा मजरा होता है, बकरियाँ भी 500-600 रहती है। ठीक है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ अच्छे मजरा के साथ आपको पूरी जानकारी के साथ आपको फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मा सलाम।